हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में, ठीक है। और आप देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें जो वर्णित विषय हैं, उनमें क्या क्या कहा गया है, अशोक ने क्या कहा है, इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 14 शिलालेखों में के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे कि अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएं, और जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को प्रोत्साहित करें जुड़ने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अच्छे सही दिशा निर्देशन में कर रहे होंगे, ठीक है। और जो GS श्रृंखला चल रही थी उसका नाम बदल कर GS कैप्सूल कर दिया गया है। और श्रृंखलाओं में जो चीज़ें बताई जाती हैं उनमें अगर कुछ चीज़ इधर उधर हो जाता है, सन इधर उधर हो जाता है या कोई नाम इधर उधर हो जाता है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ये उसको हम लोग सही कर दिया जाएगा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ें लेकर चलेंगे तो हम लोगों को भी मदद मिलेगी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जिस जिस चीज़ का लेक्चर आ रहा है उस पर नोट्स बनाते रहिए, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, अगर जिसमें GS के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अशोक के इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, अशोक का इतिहास बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि अशोक के जो 14 शिलालेखों के बारे में बात किया जाता है कि उनमें कौन कौन से विषय हैं और किस प्रकार से विषय हैं और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही हम बात करेंगे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजा कौन, फिर उसके बाद उसको पढ़ा कौन, और कौन से शिलालेखों में कौन सी बातें कही गई हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे दिशा निर्देशन में, सही दिशा निर्देशन में अच्छे तरीके से ढंग से करते रहिए, जिससे आप लोगों के चीज़ें सही ढंग से चलती रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, अशोक के शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख, मौसम की वजह से गले में खराश हो गई है, ठीक है। तो आवाज़ सही जाएगी, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसको सर्वप्रथम खोजा किसने, सर्वप्रथम खोजा किसने, सर्वप्रथम खोजा वो कौन थे, टिफेन थेलर, ठीक है। ये आपके ब्रिटेन के हैं, इन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेखों को खोजा था, और कहाँ खोजा था, दिल्ली में, दिल्ली में पहली बार पता लगाया था। कब लगाया था, 1750 में, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी, ठीक है, कि अशोक के 14 शिलालेखों की जो सर्वप्रथम खोज हुआ वो दिल्ली में हुआ था 1750 में, और किसने खोजा था, टिफेन थेलर ने, ठीक। दूसरी बात, सर्वप्रथम पढ़ा किसने, सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की, पढ़ने में सफलता प्राप्त की कौन है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। और कब प्राप्त किया था, 1835 में, ठीक है। इतना आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। अशोक के शिलालेखों के बारे में बात कर रहे हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के तो मान के चलेगा 40 के ऊपर भी पूरे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, छोटे बड़े शिलालेख, फिर है स्तंभ लेख हैं, ताम्र लेख हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसको सर्वप्रथम खोजा था दिल्ली में, टिफेन थेलर थे, ठीक है, टिफेन थेलर, इन्होंने दिल्ली में खोजा था 1750 में। सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी वो थे जेम्स प्रिंसेप ने, कब, 1835 ईस्वी में,
ठीक है 1835 कह रहे हैं इसको आप, ये 1835 के लगभग में था, ठीक है वैसे 1837 है ये, ठीक है 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है इसमें जेम्स प्रिंसेप ने देव नाम प्रिय, ठीक है प्रिय लिखिए, प्रियदर्शी लिखिए, प्रिय लिखिए, सब बात एक है, ठीक है देव नाम प्रिय शब्द जो था अभिलेखों में उसकी पहचान, देव नाम प्रिय की पहचान सिंघल द्वीप के राजा, ठीक है सिंघल द्वीप आप जानते हैं कहाँ है यह सिंघल द्वीप, श्रीलंका को सिंघल द्वीप बोला जाता है, सिंघल द्वीप के राजा तीस से कर दी, तीस से की थी, ठीक है एक चीज़ ये आप लोग स्टेटमेंट नोट कर लीजिए जेम्स प्रिंसेप ने देव नाम प्रिय की पहचान सिंघल द्वीप सिंह के राजा श्रीलंका के राजा तीस से की थी। इसके बाद देखिए ठीक है सिंघल अनुश्रुतियाँ मतलब आप समझ रहे हैं अनुश्रुतियों का अर्थ ये होता है कि जो सुना गया हो, ठीक है सुना गया हो सिंघल अनुश्रुतियाँ, ठीक है जी आज इसे वर्णित किया गया हो सुनकर वर्णित किया गया हो तो हम सीधे लिख दे रहे हैं कि रचना, ठीक है अनुश्रुतियों में आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा नहीं समझ में आएगा शब्द तो हम सीधे लिख दे रहे हैं सिंघल रचनाओं में, ठीक है सिंघल रचनाओं में जिसमें है दीपवंश और महावंश हैं, ठीक है कौन से वंश हैं दीपवंश रचनाओं में दीपवंश व महावंश, ठीक है ये दोनों ग्रंथ किससे संबंधित हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म से, ठीक है सिंघल रचनाओं में आप देखेंगे कि सिंघल रचनाओं में देव नाम प्रिय शब्द अशोक के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है अशोक के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक प्रयोग हुआ है ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों को अशोक के शिलालेखों के बारे में पता होंगी, पता होनी चाहिए कि किसने खोजा है किसने पढ़ा है पहली बार, और जेम्स प्रिंसप ने देव नाम प्रिय की पहचान किससे की है सिंघल द्वीप के राजा यानी कि श्रीलंका के राजा तीस से की है, और सिंघल रचनाओं में दीपवंश और महावंश में देव नाम प्रिय शब्द जो प्रयोग किया गया है वो अशोक के लिए किया गया है, ठीक है इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी तो आप लोगों को जो अशोक के शिलालेख हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 शिलालेखों में वर्णित विषयों को देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने जो स्ट्रेटेजी होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है तो चलिए देखते हैं पहले शिलालेख को, चलिए देखिए पहला शिलालेख, ठीक है पहले शिलालेख में अशोक ने इसमें इसी तरह से लिख लीजिए आप लोग नोट डाउन करते चलिए एकदम आसान भाषा में एकदम जितने भी फैक्ट रहेंगे अशोक के शिलालेखों से उसको हम पूरा एकदम नोट डाउन करा देंगे और उस जो आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, किसकी निंदा की है पशु बलि की निंदा की है, ठीक है ये आप लोगों को याद रहेगा पहला ये शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा की है। अब देखिए दूसरा दूसरा शिलालेख, ठीक है सारी चीज़ें आप लोग एकदम याद करिए और एकदम आसानी से आपके प्रत्येक हर एक एग्ज़ाम में अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्ज़ाम के चाहे PCS की चाहे IAS की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसमें शिलालेखों से एक प्रश्न निश्चित ही वो पूछता है,
ठीक है, अगर रोमन अंक भी हम लिखने चाहें तो रोमन अंक अगर हम लिख दे रहे हैं, रोमन अंक में भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, तो हम रोमन अंक भी लिख दे रहे हैं और अगले सम पूरा हम रोमन अंक के साथ लिखेंगे, तो आप लोग उसको भी नोट डाउन करते चलिए। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, ठीक है। इसमें अशोक ने मनुष्य व पशु, मनुष्य व पशु दोनों के लिए, ठीक है, देखिए अशोक ने कितना चीज़ें की थी, दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। जल्दी जल्दी आप जितना जल्दी नोट डाउन करते चलेंगे उतना जल्दी आप लोगों का नोट्स तैयार होता जाएगा, ठीक है, उल्लेख किया है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए तीसरा शिलालेख अगर हम इसको तीसरा शिलालेख यानी कि थर्ड, तीसरा शिलालेख में क्या कहा है अशोक ने, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। तीसरा शिलालेख में कहा है उसने कि राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया था अशोक ने कि वो प्रत्येक 5 वर्ष पर दौरे पर जाएंगे, और फिर इसमें कुछ धर्म नियमों का उल्लेख किया था तीसरे शिलालेख में, और इसमें और इसी शिलालेख में अशोक ने कहा है अल्प व्यय और बचत को धर्म का अंग माना था, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें हम लिखेंगे, इस तरह से आप नंबर डालकर लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। तो पहली बात इसने जो कहा था इसमें कि जो प्रत्येक राज्य की अधिकारी हैं, ठीक है, प्रत्येक राजकीय अधिकारियों को, ठीक है, अब इस तरह से लिखे अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक पाँच वर्ष पर दौरे पर जाए, ठीक है, दौरे पर। और दौरे पर जाए का अर्थ यहाँ पर क्या है कि वो लोग राज्य के चीज़ों को देखते रहें, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो कही गई थी राज्य का दौरा करते रहें वहाँ पर जो प्रजा के लिए, तो अशोक ने यह भी कहा था कि मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी स्थान पर रहूँ, किसी भी समय रहूँ, उसमें प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कार्यों के लिए सभी अधिकारी मुझे सूचित करेंगे, इस तरह से अशोक ने अपने प्रशासन को लेकर चला था, ठीक है। और यह सारी चीज़ें कब कहा था, जब 13वें युद्ध हो गया था, 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है अशोक के कलिंग युद्ध का, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को, अशोक में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो इन्हीं 14 शिलालेखों में देखने को मिलता है। तो दूसरी बात इसने क्या किया है कि इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात इसकी जो है इस शिलालेख में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को, सॉरी इस तरह से आप लोग मत लिखिए, इसमें अशोक ने कहा था कि अल्प व्ययता, ठीक है, अल्प व्यय ये अल्प व्यय का अर्थ ये है कि यहाँ पर आप लोग कम खर्च करिए, उतना ही खर्च करिए, उतना ही अपने पास संपत्ति को रखिए जितना आपकी ज़रूरत पूरी हो सके, ठीक है।
अल्प व्यय, उससे भी कम में आप खाना खाइए, चाय पानी पीजिए, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो अगर आपके संसाधनों की बात हो रही है, भौतिक वस्तुओं की बात हो रही है, तो उसमें आप लोग कटौती करिए, हर एक चीज़ में कटौती करिए। और फिर उसके बाद उसको सही ढंग से ले चलिए, जितनी आपकी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा आप एक चीज़ मत लीजिए, ठीक है। और जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसको अल्प व्यय में उसको कम खर्च करिए, बचा कर रखिए, इस तरह से बातें कह रहा है सब, ठीक है। अल्प व्यय और बचत को, और बचत को अशोक ने, अल्प व्यय और बचत को अशोक ने धम्म का अंग माना है, ठीक है। धम्म का अंग माना है, ठीक। ये चीज़ हो गई अशोक के तीन शिलालेख। पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, किसकी निंदा की है अशोक ने किसकी निंदा की है, पशु बलि की निंदा की है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों के लिए क्या व्यवस्था किया है, चिकित्सा की व्यवस्था किया है। तीसरे शिलालेख में प्रत्येक राज्य के अधिकारियों को कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष पर दौरे पर जाना चाहिए। और फिर इसमें तीसरे शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख है कुछ। फिर उसके बाद तीसरे शिलालेख में अल्प व्यय और बचत को अशोक ने धम्म का अंग माना है, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी, तीन शिलालेख हो गए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे शिलालेख के रूप में, ठीक है। चौथे शिलालेख में अशोक ने देखिए क्या किया है। चौथे शिलालेख में यहाँ देखेंगे कि अशोक के धम्म के नियमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसमें यहाँ देखेंगे कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी करता है चौथे शिलालेख में, ठीक है। तो चौथे शिलालेख में अशोक ने धम्म संबंधी अन्य नियमों का उल्लेख किया है, ठीक है। और जो धर्म महामात्रों का जो उल्लेख किया गया वो पाँचवें में है, सॉरी चौथे में बोला गया, ठीक है। इसमें अशोक ने, ठीक है, इसमें अशोक ने धम्म संबंधी अन्य नियमों का उल्लेख किया है, ठीक है। धम्म संबंधी अन्य नियमों का उल्लेख किया है, ठीक। आप समझ रहे हैं कि जो धम्म के नियम दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ नियम है, आपके तीसरे में है, चौथे में है, ठीक है। और चौथे में आप देखेंगे कि अशोक ने धम्म की परिभाषा भी देने के प्रयास किया है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए पाँचवा शिलालेख, पांचवा रोमन अंक में ये हो गया शिलालेख, ठीक है। रोमन अंक हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को अगर कभी एग्जाम में पूछता है रोमन अंक देखकर, तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या लिखा है, ठीक है। कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। नौ में और ग्यारह में, नौ में ग्यारह में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता था, ठीक है। पाँचवें में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी है, ठीक है। इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है कि अशोक ने किस प्रकार से धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। और अशोक का जो धम्म है, ठीक है, धम्म ही आपका अशोक का धर्म है, ठीक है। यही आपका इक्वल टू अशोक का धर्म है, ठीक है। अशोक का धर्म है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये शब्द अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है। अशोक का धम्म ही अशोक का धर्म है।
तो आप धम्म में लिखिए चाहे धर्म लिखिए, बात ही एक, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो पांचवें शिलालेख में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी है। और धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी का मतलब ये है कि वो किस प्रकार से नियुक्त करता था, योग्यता के आधार पर करता था या उसके क्षेत्र के आधार पर करता था या मंत्रियों के सलाह पर करता था। तो इस प्रकार की जानकारी जो मिलती है उन लोगों को वो पांचवें शिलालेख में मिलती है। चलिए छठे शिलालेख को देखिए। छठा शिलालेख, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि एग्जाम्स में आपका रोमन अंक ही देकर पूछता है, हिंदी में नहीं लिखता है, ठीक है। यही रोमन अंक देकर पूछ लेगा कि कौन सा शिलालेख है, किस शिलालेख में जानकारी मिलती है। छठवें शिलालेख में आप देखेंगे कि अशोक ने आम नियंत्रण की बात कही है, ठीक है। आम नियंत्रण मतलब कि अपने ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जाए, उस तरह से बातें की गई है। और अशोक ने यह भी कहा है छठवें शिलालेख में कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे किसी भी स्थिति में रहूं, कहीं पर भी किसी स्थान पर रहूं, हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर हो, चाहे अंतःपुर हो यानी कि निवास स्थान हो, सोने का स्थान हो, रहने का बैठने का स्थान हो, आराम करने का स्थान हो, ठीक है, चाहे मैं कहीं बागान में टहल रहा हूँ, बागीचे में टहल रहा हूँ, उद्यान में टहल रहा हूँ, तो वहाँ पर किसी भी अवस्थिति में मुझे प्रजा कार्यों के लिए मेरे प्रतिवेदक जो हैं मुझे प्रजा कार्यों का सूचित करेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बातें अशोक करता है छठवें शिलालेख में, ठीक है। तो छठा शिलालेख में अगर हम बात करें तो छठे शिलालेख में पहली बात है इसमें कि अशोक ने आत्मनियंत्रण, ठीक है, आत्मनियंत्रण लिखिए, आम नियंत्रण हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आम नियंत्रण, आम नियंत्रण की शिक्षा दी है, आम नियंत्रण की शिक्षा। इन सभी चीज़ों से आप लोग पता तो कर ही सकते हैं कि किसमें अशोक के धम्म का उल्लेख है, ठीक है, चौथे में है, पांचवे में है, तीसरे में है। वैसे आप देखेंगे कि चौथे ही शिलालेख में अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो छठवें शिलालेख में की पहली बात है कि अशोक ने आत्म आम नियंत्रण की शिक्षा दी है। और इसमें दूसरी बात जो है अशोक ने दूसरी बात कहा है कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, मुझे मेरे प्रतिवेदक जो है प्रजा कार्यों के लिए सूचित करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें अशोक ने घोषणा किया कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा कार्यों के लिए सूचित करेंगे, ठीक है, प्रजा कार्यों के लिए सूचित करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को दिख रही है ना कैमरे में, ठीक है। तो इस तरह से आप सोचिए कि अशोक ने कितनी बड़ी बड़ी बातें अपने शिलालेखों में किया है। छठवें शिलालेख की बात करें तो अशोक ने अपने प्रजा के संबंध में इस प्रकार से जो उल्लेख किया है वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है, उल्लेखनीय है, ठीक है। कोई भी राजा इतने प्रजा के बारे में इतना बड़ा नहीं सोचता है कि मैं कहीं भी रहूं, मैं किसी भी स्थिति में रहूं, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा कार्यों के लिए सूचित करेंगे। सोचिए अशोक उस समय कह रहा है अपने शासनकाल के दौरान, बिफोर क्राइस्ट में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, इस तरह की बातें अशोक ने कहा है, ठीक है। तो इसीलिए अशोक की जो महानता है इससे सिद्ध होती है कि अशोक कितना सोचता था अपने राजा प्रजा के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग अशोक के बारे में और भी चीज़ें बात करेंगे, इसके अंत में देखेंगे कि अशोक ने किस प्रकार से चीज़ें किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि अशोक के चौथे शिलालेख में अशोक ने धम्म संबंधी
अन्य नियमों के उल्लेख किया है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया है। छठे शिलालेख में आम नियंत्रण की बात किया गया है, शिक्षा दिया है। और फिर चौथे और छठे शिलालेख में ही मैं कहीं भी रहूं, चाहे किसी भी स्थिति में रहूं, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा कार्यों के लिए सूचित करेंगे। इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते चलिए तो आप लोगों के जो चीज़ें हैं वो पूरे एकदम पूरी तरह से कंप्लीट होते चलेंगे, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि अशोक ने कहीं भी रहने की बात कही है कि मैं कहीं सो रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, या अपने पत्नी के साथ हूँ, किसी भी स्थिति में हूँ, या टहल रहा हूँ, चाहे रसोई घर में हूँ, कहीं भी हूँ, तो मुझे मेरे प्रतिवेदक जो हैं प्रजा कार्यों के लिए सूचित करेंगे। इस प्रकार उल्लेख अशोक कथा। चलिए हम लोग सातवें शिलालेख को देखते हैं। सातवें शिलालेख में और आठवें शिलालेख में, ठीक है, दोनों लिख लेते हैं हम लोग, सातवां और आठवां, आठवां शिलालेख, ठीक है, सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, ठीक है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। आप लोग नोट डाउन करते रहिए, मैं भी लिख देना दोनों का मिलाकर एक ही बार में, ठीक है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। यात्राओं का उल्लेख, ठीक है, आप लोगों को हर एक चीज़ विस्तार से हम बताएंगे, हर एक चीज़ अशोक के बारे में। तो हम लोग जब पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग फैक्चुअल नॉलेज लेकर चल रहे हैं, चाहे वो आधुनिक भारत का हो, चाहे मध्यकालीन का हो, चाहे प्राचीन भारत का हो, तो सिर्फ हम लोग फैक्चुअल नॉलेज लेकर चल रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें लेकर चल रहे हैं। और जब हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि इतिहास का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से भारत का लिखा गया और किस प्रकार से देखा गया, जो जो चीज़ें घटित हुई हैं भारतीय इतिहास में, उन सभी घटनाओं को एक विस्तारपूर्वक देखा जाएगा। तो उसको हम लोग जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, विषय स्टार्ट होगा इतिहास का, उसमें हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। बस आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, चैनल को अगर हमारे चैनल पर अगर 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे और एक अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ाई किया जाएगा वहाँ पर। तो आप लोग 5000 सब्सक्राइबर करिए तो वहाँ पर हम लोग अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है तो मान के चलिए कि कोई मतलब भी नहीं निकलेगा पर उस तरह से चलाने का। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उसको लेकर चल रहे हैं। और जिस दिन हम लोगों का चैनल बढ़ा, जिस दिन हम लोगों का चैनल 5000 से 10000 के बीच में सब्सक्राइबर हुए, तो हम लोग आप लोगों के लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च करेंगे और अच्छे ढंग से प्रत्येक जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आप देख चाहे SSC लीजिए, चाहे IAS लीजिए, PCS लीजिए, उन सभी के लिए एक पार्टिकुलर तैयारी हम लोग करेंगे, सही दिशा निर्देशन में सही तरीके से करेंगे और हर एक चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग और हर एक चीज़ की तैयारी हम लोग आने वाले समय में करेंगे, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आप लोग हर एक सुविधा आप लोगों को प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और जो लोग नए हैं तो वो लोग तो निश्चित ही चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है। तो अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है, आठवें में और सातवें में। सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है कि अशोक कहाँ कहाँ गया है अपने शासनकाल के दौरान, इस प्रकार की चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए नौवां शिलालेख, नौवां, इसी में लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, नौवां और ग्यारहवें में, ठीक है। तो चलिए आज कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। नौवां, नौवें में अगर नौवां अगर रोमन अंक में लिखना है तो आपका जो आई वाला सेक्शन है वो पीछे रहेगा, ठीक है, और ग्यारह जब लिखना है तो आई वाला सेक्शन जो है वो आपका आगे रहेगा, ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। अभी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नौवें शिलालेख में अशोक देखेंगे कि क्या किया है कि यहाँ पर सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, ठीक है। नौवें शिलालेख में पहली बात जो है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, ठीक है। और इसी में आप देखेंगे कि अशोक ने जन्म विवाह जैसे आदि समारोहों पर, जन्म विवाह के समय में जो समारोह किए जाते थे उसमें, उस पर उसकी निंदा की है, ठीक है, और उस पर रोक लगाने का प्रयास भी किया है। और वहाँ पर उसके आधार पर तो आप देखेंगे कि जन्म विवाह के जो समारोह है उसको रोक लगा कर वहाँ पर धम्म की जो चीज़ें हैं उसको बल देता है, ठीक है। इस तरह से समझ रहे हैं आप
कि 9वें शिलालेख में अशोक ने जो समारोह मनाए जाते हैं, आप देखेंगे कि जो समारोह मनाए जाते हैं जन्म पर, विवाह आदि पर जो समारोह, जो भोज किए जाते हैं, जो समारोह मनाए जाते हैं, उस पर अशोक ने रोक लगाने का प्रयास किया और उसके वहाँ पर रोक लगाने का प्रयास किया और वहाँ पर धम्म की चीज़ों को बल दिया। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें धम्म की चीज़ों पर बल दिया था। तो पहली बात यहाँ पर है कि सच्ची भेंट, सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार, सच्चे शिष्टाचार, इसका मतलब समझ रहे हैं कि उसने बताया है कि कौन सी सच्ची भेंट है, कौन सी चीज़ सच्चे शिष्टाचार में आती है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें बताया है। उसने ये नहीं बताया है कि मुझे सच्ची भेंट कैसे मिल रहा है, सच्चे शिष्टाचार कैसे मिला है। उसने सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख बताया कि कौन कौन सी चीज़ें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार में आएंगी। सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अशोक के जो 9वां शिलालेख है उसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के उल्लेख किया गया है। दूसरी बात इसमें देखिए, दूसरी बात इसमें अशोक ने जन्म व विवाह आदि समारोहों पर, आदि विवाह के, हाँ, विवाह आदि के समारोहों पर, विवाह आदि के समारोहों पर रोक लगाता है, रोक लगाता है और निंदा करता है, और निंदा करता है। इसके स्थान पर अशोक ने, ठीक है, हर एक चीज़ को हम एकदम अच्छे से बताएंगे और आसानी तरीके से बताएंगे जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इसके स्थान पर अशोक ने धम्म पर बल दिया है। ठीक है, इसके स्थान पर अशोक ने धम्म के चीज़ों पर बल दिया है। ठीक है, इस तरह से आप लिखिए, चीज़ों पर बल दिया है। ठीक है, बल दिया है। ठीक, तो इस प्रकार की चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 7वें 8वें में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है कि अशोक ने तीर्थ यात्रा कहाँ क्या किया है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अशोक कुशीनगर गया है, लुम्बिनी गया है, कपिलवस्तु गया है, फिर वहाँ से आएगा श्रावस्ती आएगा, फिर कौशाम्बी आएगा, मगध में तो रहता ही था। तो इस प्रकार की चीज़ें, यात्राओं का उल्लेख वहाँ पर, वैशाली गया है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर देखने को मिलती हैं। कब थे शिलालेख में? 7वें और 8वें शिलालेख में। ठीक है, 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया है। फिर अशोक ने जन्म और विवाह आदि के समारोहों पर रोक लगाता है और निंदा करता है। इसके स्थान पर धम्म के चीज़ों को बल देता है। ठीक है, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अशोक जो है सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार को उल्लेख करता है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर अशोक ने जन्म विवाह के अवसर पर जो समारोह मनाए जाते थे उसकी निंदा किया है, उस पर रोक लगाया है और उसके स्थान पर धर्म की चीज़ों को बल दिया है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को, 9वें शिलालेख की बातें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 10वां शिलालेख। अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में कहा है कि, आप देखेंगे किसकी बातें तो और भी बढ़ चढ़ के हैं। ठीक है, अशोक ने इस शिलालेख में, 10वें शिलालेख में आदेश दिया था कि चाहे राजा हो चाहे उच्च पदाधिकारी हो वे सिर्फ प्रजा के हित के बारे में सोच रखेंगे। ठीक है, सोचिए कितनी बड़ी बातें कही अशोक ने कि चाहे राजा हो चाहे वो कोई भी उच्च पदाधिकारी हो वे सिर्फ प्रजा के हित में ही सोचेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि अशोक ने ख्याति और गौरव की भी निंदा की है। यानी कि जो ख्याति है, यानी कि जो आप उपलब्धि प्राप्त किए हैं, जो आप लोगों की जो
उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, जो तारीफें हो गई, और फिर जो आपके गौरव हैं कि जो आपने कमाया है, जो युद्धों में ख्यातियां प्राप्त होती हैं, जो आप देखेंगे कि प्रजा के द्वारा उनको उपहार दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो उन लोगों ने कमाए गए हैं, उनके अपने कर्मों के द्वारा जो कमाए गए हैं, उसकी भी अशोक यहाँ पर निंदा करता है, ठीक है, और धम्म की जो धर्म है उसकी श्रेष्ठता पर बल देता है। इस प्रकार की चीज़ें समझ में आए, चलिए हम लिखते हैं तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, दसवें शिलालेख की जो पहली बात है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है अशोक ने कहा है कि, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, कहा है कि चाहे राजा हों या हों, ठीक है, आप लोग इस तरह से मिलान कर लीजिएगा, राजा हो या कोई उच्च पदाधिकारी, चाहे राजा हो चाहे कोई उच्च पदाधिकारी हो, ठीक है, हो, वे सिर्फ प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक, इस तरह की चीज़ें अशोक कहता है। अब सोचिए कि अशोक ने कहा है कि चाहे राजा हो या कोई उच्च पदाधिकारी हो, वे सिर्फ प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। दूसरी बात इसमें अशोक ने, ठीक है, इसमें इसकी बातें और भी बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है, इसमें अशोक ने ख्याति व गौरव, ठीक है, हमने अभी बताया कि ख्याति और गौरव क्या होता है, कि जो आप लोग कमाते हैं अपने कर्मों के द्वारा, फिर जो उपहार दिए जाते हैं, जो आप लोगों के बारे में प्रजा कहती है, उस तरह की चीज़ें जो हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं, आपके ख्याति और गौरव के बारे में बात की जाती है, उपलब्धियाँ हो गया, ठीक है, जब जिस प्रकार से आपका मूल्यांकन किया जाता है अच्छे प्रकार से, वही आपका ख्याति व गौरव होता है। ठीक, ख्याति व गौरव की भी निंदा किया है, ठीक है, निंदा किया है, ख्याति व गौरव की भी निंदा किया है, और इसके स्थान पर धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया है, ठीक है, इस प्रकार की बातें अशोक करता है अपने शिलालेखों में। सोचिए कि ये कब की बातें, उस समय अशोक इस तरह की बातें कर रहा है कि चाहे राजा हो चाहे कोई उच्च अधिकारी हो, उच्च पद पर अधिकारी हो, वे सिर्फ प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और उसी में कहता है कि ख्याति और गौरव की निंदा भी करता है और उसके स्थान पर धम्म की श्रेष्ठता पर बल देता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कि अशोक ने कहा है कि चाहे वो राजा हो या कोई उच्च अधिकारी हो, वह सिर्फ प्रजा के हित के बारे में सोचेगा, ठीक है, उच्च पदाधिकारी चाहे राजा हो, प्रजा के हित के बारे में सोचेगा, और फिर उसके बाद ख्याति व गौरव के स्थान पर किसको बल दिया, धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देखेंगे। ठीक, ये आपका दसवां शिलालेख था, और हम बात करते हैं ग्यारहवें शिलालेख के बारे में। ग्यारहवां शिलालेख, ठीक है, यही आपका 11 लिखा जाता है इस तरह से, 9 और 11 में यही एक अंतर है। ठीक है, 11वां शिलालेख, ठीक, इस प्रकार की चीज़ें देखिए। 11वें शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है, ठीक है, इस 11वें शिलालेख में अशोक ने इसमें तो और भी धम्म की जो बड़ी बातें हैं उसको भी लेकर चलाया अशोक। ठीक है, अशोक ने धम्म को जो है वरदान के रूप में मानता है। ठीक है, वरदान के रूप में उसको सर्वोत्कृष्ट
मानता है। ठीक, अशोक ने धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट माना है, ठीक, यानी कि उसने कहा ये ग्यारहवें शिलालेख में कि जो धम्म की बातें हैं वो एक वरदान की तरह हैं। ठीक है, धम्म की बातें जो हैं वरदान की तरह हैं और वह किसी भी चीज़ में सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ अशोक अपने धर्म के बारे में कहता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि अशोक ने धम्म के वरदान के सर्वोत्कृष्ट माना है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई कि दसवें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि चाहे राजा हो चाहे कोई उच्च पदाधिकारी हो, वे सिर्फ प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। और दूसरी बात है दसवें शिलालेख की कि उसने ख्याति और गौरव की भी निंदा की और उसके स्थान पर धम्म के श्रेष्ठता पर बल दिया। ठीक है, नौवें शिलालेख में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नौवें शिलालेख में जन्म और विवाह आदि के समारोहों पर की निंदा की है और दसवें शिलालेख में ख्याति और गौरव की निंदा की है अशोक ने। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें जो बातें कही जाती हैं, तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों चीज़ें अलग अलग शिलालेखों की है, नौवें और दसवें शिलालेख की बात कही गई है। ठीक है, चलिए हम लोग बारहवें शिलालेख के बारे में बात करते हैं। ग्रामर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धम्म की चीज़ों को उसने वरदान बताया और उसको हर एक चीज़ में सर्वोत्कृष्ट माना है। ठीक, चलिए बात करें बारहवें शिलालेख के बारे में। बारहवां शिलालेख, यह शिलालेख थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट डाउन करने लायक हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए। चलिए बात करते हैं बारहवें शिलालेख में। और मुझे लगता है कि अगर शिलालेखों के बारे में बात करें, जो 14 शिलालेखों की बात की जाती है अशोक के बड़े शिलालेखों की, उसमें सबसे बड़ा जो शिलालेख है बारहवां शिलालेख देखने को मिलता है, बारहवां और तेरहवां। ठीक है, यही दो शिलालेख हैं सबसे बड़े देखने को मिलते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि अशोक ने जो बात कही है बारहवें शिलालेख में, उसने सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया है। ठीक है, और देखो देखेंगे इसमें कि कर्म महामात्रों के साथ साथ सहृदयाध्यक्षों के ब्रज भूमिकों को जो अधिकारी होते थे उनको भी, उनका भी उल्लेख किया है। ठीक है, इस तरह से समझिए कि इसकी जो पहली बात है इसमें आप देखेंगे कि सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया है अशोक ने। और दूसरी बात जो है इस शिलालेख में जो धर्म महामात्र हैं, कर्म महामात्र हैं, फिर उनके साथ साथ सहृदय, इसका एक शब्द थोड़ा टेढ़ा है तो बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, कि सहृदयाध्यक्ष। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जिसका हृदय निर्मल हो, कोमल हो, उसकी बातें कर रहा है अशोक, कि धर्म महामात्र, कर्म महामात्र, सहृदयाध्यक्ष। ठीक है, जिसका हृदय कोमल हो, विनम्र हो, ठीक है, और जो इस तरह से दयालु हो, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। फिर देखिए कि ब्रज भूमिको अधिकारी। ठीक, तो जो ब्रज भूमिको अधिकारी की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो अधिकारी हो रहे थे, अधिकारी थे भूमि से संबंधित, जो अधिकारी थे राज्य की भूमि संबंधित, संरक्षित भूमि से संबंधित, और जो उपजाऊ है, फिर उसके बाद बंजर जमीन है, इन सभी जो भूमि के अधिकारी हैं, जो भी अन्य अधिकारी हैं, उनका उल्लेख किया है। ठीक है, और इसी बारहवें शिलालेख में ही आप देखेंगे कि अशोक के समकालीन राजाओं का भी उल्लेख किया गया है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो पहली बात जो अशोक ने इसमें कहा, सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है, कही है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कि आप कोई भी विचार है, कि समाज में कोई भी विचार चल रहा है, चाहे बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, आजीवक संप्रदाय का हो, उसमें जितने भी संप्रदाय चल रहे थे समाज में, उनके सभी विचारों को अशोक ने मान्यता प्रदान की, संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, दूसरी बात इसकी जो कही गई, दूसरी बात कि इसमें कर्म महामात्र, चाहे धर्म महामात्र लिखिए,
कर्म, यहाँ पर कर्म महामात्र ज़्यादा सूटेबल लगता है, कर्म महामात्र। फिर इसके बाद स हृदयाध्यक्ष, स हृदयाध्यक्ष, ठीक। इस ये शब्द बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, तो आप लोग इसको बस लिख लीजिए स हृदयाध्यक्ष, ठीक है। स हृदयाध्यक्ष, इसका मतलब ये होता है कि जिसका हृदय जो है सब कोमल है, फिर उसके बाद दयालु है, परोपकारी है, इस प्रकार की चीज़ें अशोक कह रहा है। तो इसमें कर्म महामात्र स हृदयाध्यक्ष और ब्रज भूमि को अधिकारी, ठीक, और ब्रज भूमि को अधिकारियों का उल्लेख है, अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, उल्लेख किया गया है, ठीक। इसमें कर्म महामात्र स हृदयाध्यक्ष और ब्रज भूमि को अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, अभी हम लोगों ने समझा भी है, ठीक है। तीसरी बात इसमें जो कहा, इसके समकालीन राजाओं की सूची दी गई है, ठीक है। निम्न शासकों की चर्चा मिलती है, ठीक है। इसमें इस तरह से आप लोग लीजिए, इसमें निम्न शासकों की चर्चा, निम्न शासकों की चर्चा की गई है, ठीक है। निम्न शासकों की चर्चा की गई है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला शासक है यूनान का एंटियोकस, और इसके आसपास के जो राज्य हैं, इसके चार पड़ोसी राजा, ठीक है। अब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि यूनान मिस्र में पड़ता है, ग्रीस को, एथेंस को यूनान बोला जाता है, ग्रीस की राजधानी है, यूरोप में पड़ता है, यूनान बोला जाता है। तो यूनान के एंटियोकस की चर्चा मिल रही है और एंटियोकस के आसपास के जो राज्य हैं, ठीक है, छोटे बड़े, उनके बारे में जानकारी मिल रही है। और कौन कौन से हैं, पहले इसके बारे में लिख लीजिएगा एंटियोकस, फिर जो चार शासक हैं उनके कौन से हैं राजा, जो चार राजा हैं या शासक लिखिए। फिर इसके बाद देखिए टॉलमी, ठीक है, एंटीगोनस पूछता है, ठीक है, पूछता है एंटीगोनस, प्रत्येक एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, एंटीगोनस मगस, और एक और है, उसका क्या नाम है, अलेक्जेंडर, मगस और अलेक्जेंडर, ये अशोक के 12वें शिलालेख के में राजाओं का वर्णन है। ये विदेशी राजा हैं, ठीक, ये विदेशी राजा हो गए। अब बात करिए दक्षिण में, ये भारत के दक्षिण की बात कर रहा है, ठीक है। भारत के दक्षिण में आप देखेंगे कि यहाँ पर चेर वंश का नहीं उल्लेख है, चोल का उन वंश का उल्लेख है, चोल और पांड्य का उल्लेख है और श्रीलंका का उल्लेख है, ठीक है, चोल पांड्य और श्रीलंका का उल्लेख है, ठीक है। फिर देखिए इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त, आप लोग इस तरह से लिखिए, इसके अतिरिक्त, दिख रहा है ना कैमरे में, दिख रहा है, चलिए, इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या क्या मिलता है, यूनान तो हो ही गए, ठीक है। फिर उसके बाद कंबोज के राजा का उल्लेख है, ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक थी, और ये कहाँ था आपका, पाकिस्तान और ऊपर एकदम अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक, कंबोज। फिर उसके बाद देखिए मायांक,
इनके बारे में थोड़ा जानकारियाँ कम मिलती हैं, तो आप लोग बस नोट डाउन कर लीजिए, मयांक पीतनिक पीतनिक और आंध्रवासी आंध्रवासी। ठीक, इतने लोगों का आंध्रवासी, और फिर एक लोग और नाम लिख लीजिए परिंडावासी। ठीक है, एक और लोग नाम है परिंडावासी, परिंडावासी का उल्लेख है। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई। ये इतना बड़ा एक ही बार का पूरा ये उल्लेख परिंडावासी का उल्लेख है। ठीक, तो 12वें शिलालेख में यहाँ पर सभी प्रकार के विचारों का समान है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए, 12वें शिलालेख की सभी प्रकार के विचारों का बात की गई है, और इसमें कर्म महामात्र सहृदयाध्यक्ष ब्रजभूमि को अधि। ठीक है, ये तीन प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया गया है भारत 12वें शिलालेख में, और इसमें निम्न शासकों की चर्चा किया गया है, यूनान का एंटियोकस है, फिर इसके बाद चार पड़ोसी राजा हैं इसके, कौन से हैं, टालमी है, एंटीगोनस है, मगस है और अलेक्जेंडर है। फिर उसके बाद दक्षिण में चोल का है, पांड का है, श्रीलंका की बात कही गई है, और उसके अतिरिक्त कंबोज है, मायांक है, पितनिक है, आंध्रवासी है और परिंडावासी का उल्लेख देखने को अशोक के शिलालेखों में मिलता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी और याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से हमेशा पूछता है, प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं 13वें शिलालेख की तरफ। दो ही शिलालेख और बचे हैं, उसके बाद हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अशोक के 14 शिलालेख और उसकी बातों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें शिलालेख में। आप देखेंगे कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि अशोक ने अपने शासन के अभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 8वां है, 6वां है, 9वां है, 7वां है, आप लोग बताइए कौन सा है, कौन से वर्ष में किया था। और 13वें शिलालेख आप देखेंगे कि सबसे बड़ा माना जाता है, वैसे कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध में 1,00,000 लोगों को की जो हत्या कर दी गई थी और 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था, और इससे इस नरसंहार से प्रभावित होकर अशोक द्रवित होता है और अपने जो युद्ध नीति है उसको छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन अशोक के बारे में इस तरह से ख्याल आप लोग कभी मत रखिए कि उसने युद्ध नीति छोड़ दिया तो युद्ध करना छोड़ दिया। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक के बारे में विद्वानों का मानना है कि अशोक ने सिर्फ युद्ध नीतियों को छोड़ा था, लेकिन युद्ध करना त्यागा नहीं था। वो अशोक जिस तरह से धर्म की नीतियों को लेकर चल रहा है, उस तरह से अशोक के जो बड़प्पन है, जो उदारता है, वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अशोक ने युद्ध नीतियों को त्यागा नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य में इतने बड़ा साम्राज्य को उसने संभाल कर रखा था सिर्फ अपने धर्म नीतियों के आधार पर। ठीक है, लेकिन धर्म नीतियों के साथ साथ अशोक अपने युद्ध नीतियों को भी लेकर चलता है। इसीलिए कहा जाता है अशोक के बारे में कि वो उस शासक ने युद्ध करना छोड़ दिया, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार था। ठीक है, अशोक के बारे में ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं कि उसने युद्ध करना तो छोड़ दिया, लेकिन हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था। तो इस बात को आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, उससे आपके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समस्याएं कुछ ही दिन का मेहमान होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेकर चलिएगा कि हमने समस्याओं को हल करना मान के चलिए कि कम ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हम उन समस्याओं को हल करके ही दम लेंगे। ठीक है, यानी कि अशोक ने कभी भी हार मानने की ख्वाहिश व्यक्त नहीं किया था। तो कभी भी जीवन में हारिए मत, हारना नहीं है, सीखना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। ठीक, उसके बाद उसके अलावा और कोई भी चीज़ आप लोगों के लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होपलेस कभी नहीं होना है। किसी कोई भी चीज़ आप ठानिए तो उसको करके दम लीजिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात
कही गई है, ठीक है। और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात, हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। परिवर्तन की बात कही गई है, ठीक है। अगर इस युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दें तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिए कि 1,00,000 लोगों को, 1,00,000 लोगों की हत्या, 1,00,000 लोगों की हत्या और 1,50,000, 1.5 लाख लाख से अधिक, 1.5 लाख से अधिक लोगों को, 1.5 लाख से अधिक लोगों को युद्ध बंदी बनाया गया, युद्ध बंदी बनाया गया था, ठीक। ये चीज़ समझ में आई कि इस युद्ध में 1,00,000 लोगों की हत्या की गई थी और 1.5 लाख से अधिक लोगों की को युद्धबंदी बनाया गया था, और इसी नरसंहार से प्रभावित होकर अशोक ने अपने ने युद्ध नीति को त्यागा था, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा वो तैयार था, ठीक, इस तरह से। और अगर कभी पूछ दे कि कलिंग युद्ध के समय, हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, कलिंग का राजा कौन था, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप इसका आंसर क्या देंगे? क्या आप लोग पढ़े हैं इसको कि कलिंग युद्ध जब हो रहा था, जब अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग युद्ध कलिंग पर, तो वहाँ का राजा कौन था? नंदराज नाम का एक राजा था, नंदराज। और यह कैसे पता चलता है कि इसमें नंदराज का पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि कलिंग युद्ध के समय वहाँ का राजा जो था नंदराज नाम का कोई व्यक्ति था, हाथी गुम्फा अभिलेख। और यह किसका है हाथी गुम्फा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है, ठीक है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी अभिलेख में नंदराज के नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख है जो कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा था। और कलिंग आप जानते हैं कि कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और ये किसके लिए पता चल रहा है? कि अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग के बारे में बात किया जाए तो और विद्वानों का मानना है, उस समय के जो विद्वान हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि का नाम है टॉलमी है कि क्लॉडियस टॉलमी, इस प्रकार से कोई है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो उसने कहा है कि कलिंग जो है वहाँ पर, उस समय वहाँ की कलिंग पर आप देखेंगे कि जो खनिज संसाधन मिल रहे थे वहाँ पर, और फिर इसके बाद कलिंग जो समुद्र के किनारे था तो वहाँ पर व्यापार संबंधी चीज़ें देखने को मिल रही थी, और इसीलिए कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया है, ठीक है। और अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग जो है वो आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और हाथी जो है युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, और हाथी दांतों का जो उल्लेख किया गया है प्राचीन काल में, हाथी दांत का जो आभूषणों के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, उसके लिए अशोक ने वहाँ पर युद्ध कलिंग को अपने पर आक्रमण किया था। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि अशोक ने कलिंग पर इसलिए भी आक्रमण किया था कि उसकी जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, उसको साम्राज्य को विस्तार करने के लिए भी उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अशोक ने 13वें शिलालेख में यहाँ पर जो चीज़ें मिलती है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पर कलिंग युद्ध का है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई, और इस युद्ध में 1,00,000 लोगों की
हत्या हुई थी और 1.5 लाख से अधिक लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था। और कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा था आपका नंदराज नाम का व्यक्ति था। और कैसे किससे पता चलता है, हाथी गुंफा अभिलेख से पता चलता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रहेंगी। 14वां शिलालेख बहुत ही छोटा सा है तो उसको हम सिर्फ ऐसे ही लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं छोटा सा 14वां शिलालेख। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर रोमन अंक कैसे बदल जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा 14वां, ठीक है 14वां शिलालेख। तो आप रोमन अंकों को याद रखिए, ठीक है 14वां शिलालेख, और इस तरह से आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। 14वें शिलालेख ने अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इसमें अशोक, ये आखिरी आपका, इसमें अशोक अपनी अपनी नहीं, यहाँ जहाँ जहाँ जाता है ना, ये अपने शासन पूरे दुनिया के लोगों के लिए बात धर्म की करता है अशोक। इसमें अशोक ने अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, प्रेरित करता है, ठीक। इस प्रकार की चीज़ें अशोक के शिलालेखों में देखने को मिल रही हैं। और आप लोगों को पूरा एकदम शिलालेख कंप्लीट हो गया अशोक के, कोई भी चीज़ अगर शिलालेख से पूछा जा रहा है कहीं पर भी नहीं भटकेगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए और याद करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कि 14 शिलालेख किस प्रकार से हैं और उनका जो वर्णन है उसमें किस प्रकार से था, और जो 14 शिलालेखों की बातें की गई हैं, किस शिलालेख में कौन सी बातें हैं, अशोक ने किस प्रकार से बातें की हैं अशोक शिलालेखों में, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए और अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करिए, और जो अपनी पढ़ाई है उसको आप लोग सही दिशा निर्देशन में लेकर चलिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, और यहाँ पर आप लोगों को लिए हर एक चीज़, हर एक जो जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, ठीक है, चाहे UPP हो, UPSI हो, चाहे CPSI हो, प्रत्येक चीज़ के लिए हम लोग आप लोगों को तैयार करेंगे। और जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी और आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें तैयार की जा रही हैं, जिस तरह से वो हर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर जो है पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, आनंद लीजिए इस लेक्चरों का, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, सही दिशा निर्देशन में अच्छे से पढ़ते रहिए, और ईश्वर से हम लोगों की प्रार्थना यही रहेगी कि आप लोग अपने जीवन में जल्द से जल्द सफल हों, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।